नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लॉकडाउन की एक बेहतरीन रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं और उसका नाम है पनीर कोफ्ता करी। दो जने के लिए पनीर कोफ्ता करी बनाने के लिए एक उबला हुआ आलू, पाव भर फटा हुआ दूध और एक चम्मच बेसन पर्याप्त है। अब आलू को मैश करके उसमें जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, गरम मसाला, हींग और अजवाइन आदि मिलाकर पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इस पेस्ट से कोफ्तों के लिए गोलियां तैयार कर लेंगे और इन कोफ्तों को तेल में धीमी आंच पर तल लेंगे। सब्जी के लिए ग्रेवी बनाने के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, नमक इत्यादि स्वादानुसार मिलाकर पेस्ट तैयार कर लेंगे और पैन में प्याज को काट कर भूरा होने तक फ्राई कर लेंगे और इन प्याजों में ग्रेवी पेस्ट मिला देंगे और ग्रेवी तैयार करेंगे। अंत में ग्रेवी में टमाटर और हरी मिर्च काट कर डालेंगे। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारी ग्रेवी तैयार है। इसमें हमारे तले हुए कोफ्तों को हम मिला देंगे और 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद जब हम फ्राई पैन का ढक्कन हटाएंगे तो हमारी पनीर कोफ्ता करी बनकर तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने बहुत दिनों से पनीर नहीं खाया है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और लॉकडाउन के अपने पीरियड को